ग्रामीण यातायात को सुगम बनाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना महत्वपूर्ण कड़ी निभा रही है। आजमगढ़ जनपद में कई संस्थानों द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माण किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि 15 सड़कों में से 13 सड़कें पूरी हो गई हैं, अन्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। इन सड़कों के निर्माण से जहां लोगों को गुणवत्तापूर्ण सुगम यातायात की सुविधा मिली है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को शहरों में ले जाने में काफी सहूलियत हुई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। व्यवसायी भी अब सीधे खेतों तक पहुंच रहे हैं। पीडब्ल्यूडी की पीएमजीएसवाई विंग के द्वारा हमारे जनपद में कुल 15 सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें से 13 सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं, 2 सड़कें निर्माणाधीन हैं जो भी शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। इसके अलावा बैच 1 में आरईडी के द्वारा 8 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। 18 सड़कों का निर्माण निविदा इत्यादि आमंत्रित कर लिया गया है, वो भी शीघ्र ही पूर्ण करा लिए जाएंगे। इन सड़कों के निर्माण से जहां एक तरफ लोगों को एक गुणवत्तापूर्ण सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध हुई है, वहीं लोगों के कृषि संबंधी जो व्यवसाय हैं, जो उत्पाद हैं, उनको बाजार तक ले जाने में भी उनको काफी आसानी हो गई है। प्रधानमंत्री योजना में सड़क जो जहानागंज से कनेक्ट की गई है, उससे बड़ा लाभ हुआ है सबका। कम से कम साग सब्जी तक दरवाजे तक आकर मिल रही है सड़क के नाते ही, और जो किसान का उत्पादन है वो भी आराम से क्रय विक्रय केंद्र पर आराम से पहुंच जाता है। इससे बहुत लाभ हुआ है किसानों को, सब लोग खुश हैं इससे। पहले हम लोग आधे घंटे में जहानागंज पहुंचते थे, अब अधिक से अधिक 5 मिनट में हम लोग जहानागंज पहुंचते हैं। अब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, पहले बहुत गड्ढा था।